कुछ समय पहले ही शादी व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली मलाला यूसुफजई ने भी शादी कर ली। ब्रिटेन के बर्मिंगम स्थित आवास पर हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने असर मलिक से शादी रचाई। खबर है कि मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्य हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अपनी शादी की जानकारी ट्विटर के जरिए दी, साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मलाला ने शादी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए थे। ब्रिटिश मैगजीन वोक से बातचीत में उन्होंने कहा था, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि क्यों लोगों का शादी करना जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कोई व्यक्ति चाहते हैं, तो आपको शादी के कागजात पर दस्तखत करने की जरूरत क्या है? यह केवल साझेदारी क्यों नहीं हो सकती? उनके इस बयान की पाकिस्तान में काफी आलोचना की गई थी। उन्होंने ये भी कहा, मैंने सोचा है कि मैं कभी शादी नहीं करने वाली, कभी बच्चे नहीं करूंगी, केवल अपना काम करूंगी। मैं हमेशा खुश और अपने परिवार के साथ रहूंगी। वैसे ट्विटर पर कई लोग मलाला को बधाई दे रहे हैं, तो कई लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक वो अपनी बात से क्यों पलट गई। इससे पहले भी मलाला कई बार सोशल मीडिया यूजर्स के रडार पर आ चुकी हैं। मलाला ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तब लोगों ने उन पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि पहले पीओके और बलूचिस्तान में महिलाओं और बच्चों की स्थिति के बारे में वे सोचे। कई लोगों ने ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान में किसी अल्पसंख्यक लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म बदला जाता है, तब मलाला क्यों कुछ नहीं बोलती। मलाला के पति असर मलिक का क्रिकेट से खास रिश्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाई परफॉर्मेंस जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पीसीबी के साथ जुड़ने से पहले असर मलिक प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसी में प्रबंध निदेशक की भूमिका निभा रहे थे। आपको बता दें कि मलाला यूसुफजई ने मात्र 14 साल की उम्र में पाकिस्तान में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए तालिबान से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में उन्हें गोली भी खानी पड़ी। मलाला का जन्म पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ था। आज लड़कियों को शिक्षित करने के लिए मलाला एक फंड भी चलाती है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.